लास्ट में हमने किया था कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, जो मार्केटिंग के फंक्शंस थे उसके अंदर किया था हमने कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। उसके बाद हम देखते हैं प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स है यहाँ पर उत्पादों का मूल्य निर्धारण। अब उत्पादों का मूल्य निर्धारण अगर देखें, उत्पादों का मूल्य निर्धारण क्या है? उत्पादों का मूल्य निर्धारण है यहाँ पर कि जो प्रोडक्ट्स हम तैयार करेंगे, जो प्रोडक्ट्स हम तैयार करेंगे उन प्रोडक्ट्स का कहीं ना कहीं जो प्राइस है वो भी डिसाइड करना होता है। अब ये कहता है कि प्राइस डिसाइड करने में सारी चीज़ें फिर सोचनी पड़ती हैं कि कॉस्ट क्या है प्रोडक्ट की, यानी जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट को बनाने में हमें कितनी लागत आई है। दूसरा अगर देखें हमें प्रॉफिट कितना चाहिए प्रोडक्ट के ऊपर। उसके बाद ये देखना होता है कि जो अदर प्रोडक्ट्स हैं, अदर प्रोडक्ट का मतलब है अदर प्रोडक्ट हैं यहाँ पर जो कम्पिटिटिव प्रोडक्ट हैं, जो कम्पिटिटिव प्रोडक्ट हैं उनका मार्केट में प्राइस क्या है, हमें ये देखना पड़ता है। तो ये कहता है कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो अदर प्रोडक्ट हैं, जो कम्पिटिटिव प्रोडक्ट हैं उनका मार्केट में प्राइस देखना पड़ता है। उसके बाद ये कहता है कि ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद फिर जाकर किसी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड होता है कि अदर प्रोडक्ट का प्राइस क्या है। अदर प्रोडक्ट मीन्स मार्केट में हमारे जैसे कितने कम्पिटिटिव प्रोडक्ट अवेलेबल हैं उनका प्राइस क्या है। कॉस्ट कितनी थी हमारे प्रोडक्ट को बनाने की, उसके ऊपर कितना प्रॉफिट हमें चाहिए। अब ऐसा तो आप कर नहीं सकते कि मार्केट में कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है उसका प्राइस 15 रुपये है, आप क्या करें अपने प्रोडक्ट का प्राइस 25 रुपये रख दें। सेम प्रोडक्ट है, सेम फीचर्स हैं, सेम क्वालिटी है, तो आपके प्रोडक्ट को कौन खरीदेगा अगर उसका प्राइस जो है वो इतना ज़्यादा होगा। तो कम्पिटिटिव प्रोडक्ट जो हैं उनको देखकर ही आपको प्राइस डिसाइड करना होता है। उसके बाद ये कहता है फिर ये सोचना होगा कि इसकी प्रमोशन की कैसे की जाए। प्रोडक्ट की प्रमोशन का मतलब है कि जो कंज्यूमर हैं कंज्यूमर्स तक कैसे पहुंचाया जाए। अब प्रमोशन का मतलब है यहाँ पर कि उसको प्रमोट कैसे किया जाए, कस्टमर्स तक कैसे पहुंचाया जाए कि हमारा ये नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है, तो कस्टमर तक ये इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचे। तो प्रमोशन के हमारे यहाँ ये कहता है कि मेन दो मेथड हैं, एक तो आप एडवर्टीजमेंट या एडवर्टाइजिंग यूज़ कर सकते हैं, एक आप पर्सनल सेलिंग यूज़ कर सकते हैं। ये दो ऐसे मेथड हैं जो यूज़ किए जा सकते हैं, एडवर्टाइजिंग या फिर पर्सनल सेलिंग। किस चीज़ के लिए ये यूज़ किए जा सकते हैं, आपका प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, एक एडवर्टाइजिंग और दूसरा आपका पर्सनल सेलिंग। इनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं कि मार्केट में कंपनी ने कौन सा नया प्रोडक्ट अभी डाला है या मार्केट में कौन सा नया प्रोडक्ट आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट ये कहता है और मार्केटिंग का फंक्शन क्या है। जैसे हम कह रहे थे कि मार्केटिंग का मीनिंग है आपका प्रोडक्ट बनना जब स्टार्ट होता है उससे पहले से मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है, और प्रोडक्ट जब सेल कर दिया जाता है उसके बाद तक मार्केटिंग चलती रहती है। उसके बाद है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग है भौतिक वितरण। अब भौतिक वितरण का क्या अर्थ है यहाँ पर कि एक आइटम जो है वो आपकी प्रोडक्शन पॉइंट से कंजप्शन पॉइंट तक कैसे पहुँचेगी। यहां से और यहां तक कैसे पहुंचेगी, ये है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। कि एक आइटम हो सकता है आपकी प्रोड्यूस तो हो रही हो, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग या जिसका प्रोडक्शन तो हो रहा हो आपका, किसके अंदर प्रोडक्शन तो हो रहा हो आपका, सपोज करें मुंबई के अंदर, कंजप्शन उसका होना हो कैथल में, तो कैथल तक वो कैसे पहुंचेगी, उसका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए, यानी उसको यहां तक कैसे लाया जाए। इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद वेयर हाउसिंग, ये ऐसी चीजें चेक करनी पड़ती हैं।
क्यों? क्योंकि कई बार ये होता है कि एक आइटम बनती तो मुंबई में है, यूज उसका कैथल में होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन की बढ़िया फैसिलिटी चाहिए। दूसरा ये कहता है, ये भी हो सकता है, कई बार समस्या ये भी आती है कि एक आइटम बनती तो सर्दियों में हो, बनती तो आपकी विंटर सीजन में हो, यूज उसका समर सीजन में होता हो, तो इतने टाइम पीरियड तक उसको स्टोर करके कहाँ रखेंगे? वेयर हाउसेज में, तो वेयर हाउसेज की अरेंजमेंट, तो ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे अरेंज होंगी। इन सब चीज़ों के बारे में डिसीजन लिए जाते हैं। उसके बाद एक मार्केटिंग का इसमें फंक्शन आता है, वो है आपका ट्रांसपोर्टेशन का। अब ट्रांसपोर्टेशन में क्या है? ट्रांसपोर्टेशन में है आपका जैसे परिवहन है, तो परिवहन आपका ट्रांसपोर्टेशन में आता है। अब परिवहन के अंदर क्या है? परिवहन के अंदर है कि हम क्या करते हैं, परिवहन के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि आइटम को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं, यही ट्रांसपोर्टेशन है। क्यों? क्योंकि एक आइटम का जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन पॉइंट अलग होता है और कंजप्शन पॉइंट अलग होता है। जैसे कई बार अगर आपने देखा हो, रोड पर जब हम इधर से उधर कहीं जा रहे होते हैं तो हमें कहीं वीटा की, कहीं मदर डेरी की, इनकी वैन जाती हुई दिखाई देती हैं। वो क्या है? वो सारा का सारा ट्रांसपोर्टेशन है कि वीटा कलेक्ट कहीं और से किया जाता है दूध, उसके बाद कंजप्शन पॉइंट पर पहुंचाया जाता है। यही हो सकता है, वीटा का मिल्क एक जगह से कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में ले जाया जाता है, वहाँ से उसमें से घी निकाला जाता है, फिर कंजप्शन पॉइंट पर पहुँचाया जाता है उस घी को, यानी जहाँ पर उसका यूज होना है। तो ये सारी प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन में ही इन्वॉल्व होती है आपकी। और आगे चलते हैं इससे नेक्स्ट और क्या है आपके पास? इसके अंदर आप पेप्सी का एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे पेप्सी की गाड़ियां हमें दिखाई देती हैं। इसके अंदर आप टू व्हीलर्स का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे बजाज टू व्हीलर्स हैं, उसकी आपको बजाज टू व्हीलर कंपनी की गाड़ियां दिखाई देती हैं। वो गाड़ियां क्या करती हैं, जो टू व्हीलर्स हैं उनको एक जगह से लोड करके वो उसको दूसरी जगह लेकर जाती हैं, कंजप्शन पॉइंट तक लेकर जाती हैं। तो ये है आपका ट्रांसपोर्टेशन। एक है आपके पास जो नेक्स्ट और लास्ट फंक्शन है, वो आपका स्टोरेज और वेयर हाउसिंग। स्टोरेज और वेयर हाउसिंग में क्या है आपका? स्टोरेज और वेयर हाउसिंग में है आपका कि यहाँ हम क्या करते हैं, जो स्टोरेज हैं या जो वेयर हाउसिंग है वहाँ पर गुड्स को स्टोर करके रखा जाता है। जैसे अनियंस हैं, प्याज हैं, प्याज को काफ़ी लंबे समय तक स्टोर करके रखना होता है। उसके बाद और बहुत सी आइटम हैं जिनको एक टाइम पर स्टोर करके उसको नेक्स्ट सीजन में उसको यूज़ किया जाता है। तो ये जो स्टोरेज या वेयर हाउसिंग है, ये क्या करते हैं, ये आपको टाइम यूटिलिटी अवेलेबल करवाती हैं। टाइम यूटिलिटी का यहाँ पर मीनिंग है समय उपयोगिता प्रदान करते हैं। समय उपयोगिता में क्या है कि समय की उपयोगिता देते हैं आपको, ये कि एक आइटम आप विंटर में तो बना रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं समर सीजन के अंदर, तो ये टाइम यूटिलिटी आपको देते हैं। तो जो आपकी वेयर हाउसिंग है या जो आपकी स्टोरेज फैसिलिटी है वो क्या करती है, वो आपको गुड्स को सेफ रखने में आपके लिए हेल्पफुल है। तो ये हैं आपके मार्केटिंग के कुछ फंक्शंस। टोटल हमने 12 कर लिए हैं, 12 के 12 कुछ हमने लास्ट डे में किए थे, 7 हमने लास्ट डे में कर लिए थे, 5 हमने आज किए हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, मार्केटिंग के जितने फंक्शन मैंने करवाए हैं वो सारे के सारे आप अच्छी तरह कर सकते हैं। एंड ध्यान रखें विद एग्जांपल्स, क्योंकि एग्जाम्पल्स के बिना इनको करने का कोई बेनिफिट नहीं है। आपको एग्जाम्पल ध्यान में होने चाहिए, जहाँ एग्जाम्पल आपका सुटेबल है या एग्जाम्पल जहाँ पर आप दे सकते हैं, उसका बेनिफिट क्या है, याद करने में आसानी रहेगी, प्लस एग्जाम्पल जो है वो ज़रूरी हो जाते हैं किसी चीज़ को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए। तो आप अच्छी तरह से करें 12 के 12 फंक्शंस को,
कंप्लीट करें, तब जाकर आपके मार्केटिंग के फंक्शन कंप्लीट होंगे। नेक्स्ट डे में हम देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट डे में हम जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो करेंगे।